नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि दो दिन बाद होलिका का त्यौहार आने वाला है, यानी होली आने वाली है। और आपको ये भी पता होगा कि होली के त्यौहार पे बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं, यानी होली की जो रात होती है वो महारात्रि कहलाती है। जैसे दीपावली की रात को महारात्रि बोलते हैं, इसी प्रकार से होली की रात्रि भी महारात्रि है। इस दिन बहुत सारे जो तंत्र मंत्र इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको किया जाता है, उनको सिद्ध किया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ इसी टाइप के कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन में सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय जानते हैं। अगर मान लीजिए आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, आपकी नौकरी में बाधा आ रही हो, आपकी नौकरी लग नहीं रही हो, या अगर आपके पास नौकरी तो है लेकिन उसमें आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, मतलब उसमें आपको कोई ज्यादा बड़ा पद नहीं मिल रहा हो, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, मान लीजिए आप एक कोचिंग चलाते हैं या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं और वो व्यवसाय आपका नहीं चल रहा, तो आप लोगों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है वो उपाय? आपको करना क्या होगा कि होली की रात्रि, जिस रात्रि को होली जलती है, सुबह सुबह जब होली जलती है, उस दिन आप कुछ एक मुट्ठी सरसों लीजिए, सरसों, और सरसों को अपने ऊपर से क्लॉक वाइज 7 बार उसार लीजिए, यानी जैसे क्लॉक चलती उसी डायरेक्शन में आप 7 बार उसको उसार लीजिए, और फिर वो जो सरसों है जो आपने अपने ऊपर से उतारी है उसको लेके आप होली जहां जल रही है उस जलती हुई होली में उसको डाल दीजिए। डालते समय आप होलिका जी से और प्रहलाद जी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो भी समस्या जो मैंने भी बताई उनमें से कोई से भी आपकी समस्या है, वो समस्या उनसे कह दीजिए और उसमें और उस समस्या को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना की और उस समस्या को दूर करने के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए। बस इतना सा आपको काम करना है, तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब आपकी अगर नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाएगी, अगर आपके व्यवसाय में कुछ बाधा आ रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो वो भी चलने लगेगा। ठीक है, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ कहते हैं कि यार मेरे ऊपर कुछ कर दिया किसी ने, कुछ तंत्र मंत्र मेरे ऊपर हो गया, मेरे काम को बांध दिया है, ये मेरे घर को बांध दिया है, या मेरे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया है जिससे हमारा घर पूरा परेशान है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा अक्सर कहते हुए। अगर भगवान ना करे आपको भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। यानी आप एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर उपाय करते हैं होली के दिन तो आप बहुत आसानी से इन चीजों से, यानी नेगेटिव एनर्जी से, तंत्र मंत्र से, इस प्रकार की चीजों से बाहर निकल सकते हो। क्या है वो उपाय जानते हैं? देखिए आपको करना क्या होगा, इसमें आपको एक मुट्ठी सरसों लेना है, एक ही मुट्ठी या उस उतने ही बराबर के आपको गेहूं लेना है और नमक लेना। इन तीनों चीजों को लेकर अपने ऊपर से 7 बार आपको उसारना है, यानी जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर से, या फिर घर के में किसी ने प्रॉब्लम कर दी है तो घर के ऊपर से आप उसार ले सकते हो, दुकान की या किसी व्यवसाय में आपकी कोई दिक्कत जा रही है तो वहां पर भी आप उसको उसार कर, और वो जो चीज है तीनों उसको ले जाके आप होली जलती हुई होली में उसको डाल दीजिए, और फिर वही प्रार्थना जो मैंने अभी बताई आपको, वही प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी दिक्कत है इन तीनों में से, उसमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप उनसे कह सकते हो और उसके उसको दूर करने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा, देखिए क्या होता है कि आजकल बच्चों की शादी में बहुत विलंब हो रहा है, यानी कि बार बार लड़का ढूंढते हैं, लड़कियां ढूंढते हैं, लेकिन उनके कुछ नहीं किसी वजह से उनकी शादियां डिले होती जाती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही या उनकी शादी बार बार डिले होती जा रही है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो होली के दिन आप ये उपाय जरूर कीजिए। उपाय क्या है? उपाय बहुत ही साधारण है। आपको करना क्या है, हल्दी की 5 गठाने लेना है। आप जानते हैं हल्दी की गठाने, तो हल्दी की 5 गठाने लेना है और जिस व्यक्ति की, यानी जिस बच्चे की या जिस बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है या उसमें डिले होता जा रहा है, उसके ऊपर से वो जो हल्दी की गठान है 5ों, उसको आपको 7 बार उसारना है। ऐसा नहीं कि एक एक करके नहीं, पूरी 5ों एक साथ रख सकते हैं और ऐसे करके 7 बार उसके ऊपर से उसार सकते हैं, और उसार कर फिर आप जाके होली जहाँ जल रही है वो जलती हुई होली में आप उसको डालना है और होली की परिक्रमा करके और उनसे प्रार्थना करके अपनी समस्या को कह देना है। अगर ये तीनों उपाय बहुत ही ईजी है, अगर ये उपाय अगर आप करते हैं तो इनसे जुड़ी हुई जो समस्या मैंने बताई है उसमें आपको जरूर लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वैसे के साथ। तो आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।